आज हम उस फिल्म की बात करेंगे जिसने हमें बॉलीवुड की एक एवरग्रीन जोड़ी थी, विच इज राजेश खन्ना एंड आशा पारेख। एंड दिस फिल्म शोकेसेस द ब्रिलियंस ऑफ राजेश खन्ना एंड आशा पारेख। एंड इस फिल्म में जो राजेश खन्ना और आशा पारेख की जो ब्रिलियंस एक परफॉर्मेंस है, कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस, आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। इस फिल्म की स्टोरी, गाने, डायलॉग्स, लोकेशन एंड इमोशंस, आज भी लोग इस फिल्म को देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। कटी पतंग, आज हम कटी पतंग की बात करेंगे। वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सिनेमा टॉक। मी मीनू अग्रवाल इन कॉन्वर्सेशन विद मुर्तजा अली खान। आज हम इस कटी पतंग की बात कर रहे हैं और जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, सामंत, राइट? शक्ति सामंत। शक्ति सामंत, ऐसा क्या खास है शक्ति सामंत में जो उन्होंने इतनी सुपर हिट फिल्म दी? ये मीनू कमाल की बात ये शक्ति सामंत की कि अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी देखें तो स्टार्ट तो 50s में ही हो गई थी। ये एक ट्रेन्ड फाइटर पायलट थे जो सिंगर बनना चाहते थे। सचिन देव बर्मन के पास 1940s में आए और एसडी बर्मन ने कहा कि ठीक है आप अपनी आवाज़ सुनकर एक मुझे सैंपल दीजिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सोलो सिंगर तो नहीं ले सकता पर तुम्हें कोरस में ले लूँगा। सो ही वॉज डीपली अपसेट। फिर उनको अशोक कुमार साहब मिले एंड अशोक कुमार गेव हिम द एडवाइस दैट चेंज हिज लाइफ। उन्होंने कहा कि फॉरगेट अबाउट सिंगिंग, फॉरगेट अबाउट एक्टिंग, यू बिकम अ डायरेक्टर। एंड देन यू नो इन द 50s ही स्टार्टेड ऑफ मेकिंग फिल्म्स, बट इट वॉज ओनली यू नो अराउंड द 60s एंड द 70s यू नो दैट ही बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू नो filmmaker in Bollywood, because he gave Bollywood the first superstar, Rajesh Khanna. अगर हम फिल्म आराधना की बात करें तो आई थिंक राजेश खन्ना का जो फिनोमेना है, जो एक तूफान और एक आंधी और क्रेज जो राजेश खन्ना का आया, आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड विद आराधना। आराधना के बाद ही ब्रॉट दिस वंडरफुल फिल्म जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, कटी पतंग। एंड आई थिंक इसके बहुत अलग अलग पहलू डिस्कस करेंगे और आपके पास बहुत रिसर्च मटीरियल भी है और हम उस पर भी आएंगे। और उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही रहा लगातार, ये एक के बाद एक कमाल की फिल्म शक्ति सामंत लाते रहे। चाहे हम अनुरोध की बात करें जो लेट 70s में आई, और 80s में भी बरसात की रात जैसी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ वो लेके आए, तो इसको एक गोल्डन डिकेड भी माना जाता है। उनकी सारी ही फिल्म्स काफी सुपरहिट, हाँ, जो 60s 70s और 80s में जो फिल्म्स जो लगातार आई, इसको गोल्डन डिकेड भी कहते हैं, क्योंकि दीज आर द फिल्म्स व्हिच रियली चेंज्ड बॉलीवुड फॉरएवर। बॉलीवुड का ट्रेंड सेटर भी माना जाता है उनको। आई थिंक बहुत कमाल की अगर हम एक पैरेलल ड्रॉ करें तो उनका पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं ऋषिकेश मुखर्जी के साथ। ऋषिकेश मुखर्जी वाज द वन हु केम अप विद दिस मिडिल सिनेमा के कमर्शियल और जो आर्ट सिनेमा के बीच में, पर सामंत फिल्म्स वर मोस्टली कमर्शियल इन नेचर एंड दैट्स वर दे वर मोस्टली ब्लॉकबस्टर्स इन नेचर, बट ब्लॉकबस्टर्स विद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ही वुड टच अपॉन टैबू सब्जेक्ट्स, जैसे अभी हम कटी पतंग की बात कर रहे हैं कि एक विडो जो है, इज शी अलाउड टू फॉल इन लव, इज शी अलाउड टू मैरी अगेन, या अगर हम आराधना की बात करें तो यू नो लव बिफोर मैरिज एंड बिकमिंग अ मदर बिफोर एक्चुअल गेटिंग मैरिड, या अगर हम बात करें अमर प्रेम की बात करें तो फॉलिंग इन लव विद अ प्रोस्टिट्यूट। दीज आर द टैबू सब्जेक्ट ही डेल्ट विद एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 60s 70s में ये ऐसे विषय थे शायद जिनके बारे में मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में, तो क्या पैरेलल स्ट्रीम में भी लोग इसकी बात कई बार नहीं कर पाते थे, टैबू सब्जेक्ट्स रहा करते थे। तो उन्होंने इस तरह की फिल्म्स बना के वो टैबू तोड़े और हमारी सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट्स का काम किया। और आई थिंक इसी इन फिल्म्स के जरिए ही शायद सोसाइटी में एक अवेयरनेस आई, राइट? लोगों ने इस टैबू को शायद उनको लगा कि नहीं यार, ये एवरीथिंग कैन बिकम नॉर्मल, ऐसा क्या है कि ठीक है। होता क्या है कि जब आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में जब आप इस तरह के सब्जेक्ट्स डील करते हैं तो एक अवेयरनेस बढ़ती है, जैसा आपने कहा सोसाइटी में भी थोड़ा सा एडवांसमेंट आता है, क्योंकि सोसाइटी को पता चलता है कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, बिकॉज समटाइम्स वी डू नॉट नो और समटाइम्स वी वांट टू टर्न अ ब्लाइंड आई, बट व्हेन वी सी दैट हैपनिंग यू नो एंड सम ऑफ द लीडिंग नेम्स, शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, आशा पारेख, दीज वर सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री, सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स वर वर्किंग ऑन दिस फिल्म। सो व्हेन अ फिल्म लाइक दैट ऑफ दैट स्केल व्हिच इज अ ब्लॉकबस्टर, व्हिच इज अ हिट इन सो मेनी वेज, जब इस तरह की फिल्म इस तरह के सब्जेक्ट्स डील करती है तो आई थिंक पूरी सोसाइटी में एक अवेयरनेस बढ़ती है, रेवोल्यूशन आता है, राइट? रेवोल्यूशन आता है, अवेयरनेस आती है, इसीलिए हिंदी सिनेमा इतना इंपॉर्टेंट रहा है।
चाहे हम सोसाइटी की एडवांसमेंट्स की बात करें, चाहे हम एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी की बात करें, हिंदी सिनेमा हैज ऑलवेज ब्रॉट द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर. इट हैज ऑल्सो टेकन इंडियन सोसाइटी थ्रू दीज डिफिकल्ट फेसेस, मेकिंग इट मोर प्रोग्रेसिव विद ईच पासिंग ईयर. तो ये बताइए मुर्तजा कि इसमें आशा पारी की जगह अगर कोई और एक्ट्रेस होती राजेश खन्ना के साथ, तब भी क्या ये फिल्म सुपर हिट होती? देखिए, सबसे कमाल की चीज मीनू इस फिल्म में ये है कि आशा पारेख फॉर मोस्ट ऑफ द फिल्म शी इज वेयरिंग अ वाइट साड़ी. या वाइट साड़ी बिकॉज़ शी इज प्लेइंग अ विडो एंड शी इज. अब आप ये सोचिए कि कितना ज्यादा अनकन्वेंशनल है कि एक मेनस्ट्रीम फिल्म में राजेश खन्ना जैसे रोमांटिक हीरो के साथ, बिकॉज आराधना आ चुकी है एंड ही हैज ऑलरेडी कैटापल्टेड हिमसेल्फ टू सुपर स्टारडम, एक हीरोइन आप उनके साथ पैरेलल कास्ट कर रहे हैं एंड दैट हीरोइन इज ऑल्सो नोन एज द जुबली गर्ल एंड थ्रू आउट द फिल्म शी इज ऑलमोस्ट विदाउट मेकअप, शी इज वेयरिंग दिस वाइट साड़ी. And yet, you know, there is this amazing bond that the two share. There is this great chemistry. I, for one, cannot imagine any other actress. We have seen Rajesh Khanna with Sharmila Tagore. We have seen him with Mumtaz. We have seen him with some of the best actresses of his time. But for some reason, मुझे लगता है जो chemistry, I think कई बार होता है ना cosmos has conspired वाली बात होती है, तो कुछ चीजें हो जाती हैं. I think ये हो गया कि this came out so well. The two of them really create some magic, you know, on this big screen. And this magic is something which has still lived on. Aaj bhi, you know, when we revisit Katti Patang, hum aksar apne show se pehle films ko revisit karte hain. Or I think we could both see that magic still, you know, it's pretty much evident even now. Agar aap aaj YouTube pe is film ko dekhein. Yeah, jo persona hai, jo saadgi hai, jo simplicity hai, right? Without makeup, I think aaj bhi kahin unmatchable. Absolutely, hai, right? Absolutely. इस फिल्म के जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो हैं गुलशन नंदा और वीराजेंद्र गौर और जो इसका लिरिक्स दिया है वो दिया है आनंद बख्शी जी ने, द फेमस आनंद बख्शी साहब, एंड ही हैज गिवन अस सो मेनी हिट्स एंड दिस इज वन ऑफ हिज यू नो मोस्ट फेमस वर्क्स. या और जो इसके जो गाने हैं वो अल्टीमेट गाने हैं, ये फिल्म गानों की वजह से ही फिल्म हुई है. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ गानों की बात करें तो वी कैन हैव एन एंटायर एपिसोड ऑन द सॉन्ग्स अलोन. ओह माय गॉड, और क्या वैरायटी है इसमें. लता जी हैं, किशोरदा हैं, मुकेश हैं, आशा जी का भी एक सॉन्ग है, एंड ऑल सॉन्ग्स यू नो दिस समथिंग स्पेशल. सम सॉन्ग्स हैव दिस यू नो ब्यूटीफुल मेलेंकोलिक क्वालिटी एंड देन देयर आर दीज बबली लाइवली सॉन्ग्स आल्सो व्हिच आर रोमांटिक एट द सेम टाइम अ लिटिल पॉइंटेंट आल्सो. और इसका जो फेमस गाना है, वेरी फेमस सॉन्ग, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या कटी पतंग है. मुझे ये जो गाना है वो आजकल के गानों की तरह नहीं है जिसको यंग जनरेशन पसंद करती है, ये वो गाना है जिसको हमारी मम्मियाँ दादियाँ नानियाँ आज भी सुनती हैं, तो आई थिंक उनकी आंखों में आंसू होते हैं. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ग्रोइंग अप इन द 90s अक्सर हमारे केबल टीवी पर भी कटी पतंग आती थी और ये गाना यू नो इट हैज स्टेड विद मी एंड ड्रेप्ड इन अ वाइट साड़ी, यू नो आशा परेख जी इज रियली लुकिंग यू नो this woman who has lost everything in her life. Aur ye Lata ji ne jo gana gaya hai, I think immortalized ye jo character hai Asha ji ka, jo Katti Patang ki jo puri ki puri movie ki jo kahani hai, I think it all comes down to this pain and suffering jo ek patriarchal setup mein ek woman, you know, who is always judged, you know, by people around her, how she will have to, you know, deal with all the atrocities, and you know she is this image of stoicity khadi bhi hai yahan pe, aaj bhi sab kuch uske sath bura ho raha hai. Still, you know, and then her heart is full of sorrow. और ये कहीं से दिल से आवाज निकल रही है. Emotions होते हैं, वो कितना resonate करते हैं, like बहुत कमाल की acting की उन्होंने. कमाल की acting है, performance बहुत जबरदस्त है. I think and the song is placed really well in the film, जहाँ पे आता है, because from right from the very beginning of the film हम देख रहे हैं कि there's this girl, you know, who wanted to marry a person that she loved, पर वहीं से चीजें जो खराब होना शुरू होती हैं. Song है, right? Constant betrayals of the society. She's always been judged by everybody around her. And फिर जब ये गाना आता है, तो I think it will bring tears to anybody's eyes. बहुत ही खूबसूरती के साथ लता जी ने I think गाया. और इसका जो एक और सॉन्ग है जो बोट में है, जिसमें राजेश खन्ना और आशा पारेख, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, वो तो अमेजिंग है. उस जो लोकेशन है, यू नो, और जो इमोशंस हैं
आई थिंक जब मैं पहली बार नैनी लेक में गया था बहुत साल पहले, तो यू नो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड कि इसी लेक में कभी एक बोट में बैठे होंगे राजेश खन्ना साहब, आशा पारेख जी, एंड दे वुड हैव डन दिस यू नो पिक्चराइजेशन. तो इस पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो सारे गाने जो है किशोर दा ने गाए हैं, लेकिन ये एक गाना है जो मुकेश से गवाया गया है. आई थिंक आनंद बख्शी साहब, आर डी बर्मन और शक्ति सामंत का कॉन्शियस डिसीजन रहा होगा कि मुकेश को लेते हैं, कि उनकी आवाज इस गाने में ज्यादा सूट करती है. एंड आई थिंक इट हैज कम आउट रियली वेल आल्सो. और ये जो सेम गाना है वो जब मूवी खत्म होती है, जब वो क्लिप से जंप करने वाली होती है, जब उनको रोकते हैं, देन अगेन इट प्लेज. एंड आई थिंक द स्टोरी कम्स फुल सर्कल थ्रू दैट. एंड इस गाने में वहाँ इमोशंस कितने अलग हैं. ब्यूटीफुल यार, टोटली एग्री. क्योंकि जो इनके बीच का जो कनेक्ट है, आई थिंक दैट रियली इज वेल रेप्लिकेटेड बाय दिस सॉन्ग. तो एक सिनर्जी क्रिएट हो जाती है थ्रू दिस सॉन्ग. बट व्हाट अबाउट द अदर सॉन्ग्स जो किशोर दा ने गाए, विच आर योर फेवरेट? अरे एक वो गाना है ना, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है. ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड सच अ फेमस पार्टी सॉन्ग. या वेरी. और एक वो जो होली का गाना है, आज ना छोड़ेंगे बस हम चोली, ब्यूटीफुल सॉन्ग. अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग अगेन. You know, the idea of love and idea of this taboo subject, that there's this lady, you know, supposedly a widow, and yet she can fall in love again. I think that is beautifully picturized. And our favorite, the Cabaret Queens. Oh yes, how can we forget that? Yeah. Shabnam. Asha ji ne gaya hai gana, I think, beautifully. सब जानते हैं, यू नो ऑफकोर्स अरुणा ईरानी जी और बिंदु, तीनों को बेसिकली होली ट्रिनिटी भी कहा जाता है इंडियन. अगर हम कैबरे सॉन्ग्स की बात करें, या उस जमाने में अगर हम आइटम सॉन्ग्स को अगर हम इस तरह से डिस्क्राइब करें, आई थिंक दीज थ्री रियली रूल्ड दिस स्पेस. ये जो आइटम्स, ये आइटम सॉन्ग था राइट, लेकिन इसको कितना ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया है. हाउ वेल इट टेक्स द नैरेटिव फॉरवर्ड, और नैरेटिव कैसे फॉरवर्ड लेके जाती है कि आशा पारेख का कैरेक्टर, शी हैज अ पास्ट, लाइक दिस song is a reminder in a way. She is trying to threaten her that I know all about your past, and in a very subtle way, right? In a very subtle way and a very beautiful and a lyrical way also. Aur Bindu ki jo isme performance hai, I think that is also wonderful. Wonderful. I think it really was a stepping stone in her career also, you know, is this space ko jo unhone capture kiya along with the two other great, you know, ladies of our cinema. Yeah. Aur Murtaza ji uske dialogues hain. मेरा फेवरेट डायलॉग तो ये है कि आंधी के उड़ते हुए पत्तों को क्या पता उनको कहां से कहां भटकना है. आई थिंक दिस हैज स्टेड विद मी. वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल डायलॉग. और इसका आप मतलब समझने की कोशिश करिए, कितना मीनिंगफुल है राइट, डीप और रेजोनेट्स. या या, ब्यूटीफुली विद द थीम. या या, एंड विद द थीम ऑफ द फिल्म आल्सो. एंड आई थिंक इट कैन बी रिलेटेड टू एनीबॉडी एनी टाइम इन देयर लाइफ. एनी अदर डायलॉग दैट इज कमिंग टू योर माइंड राइट नाउ फ्रॉम द फिल्म? मेरा डायलॉग है कि अगर शराब दुखों को मिटा सकती तो हर आदमी शराबी बन जाए. अरे वाह, सीरियसली, यू नो सच अ डीप मीनिंगफुल डायलॉग. आई थिंक दिस फिल्म इज अबाउट दैट, यू नो, अबाउट ब्यूटीफुल लिरिक्स, ब्यूटीफुल लोकेशंस, के गाने, इमोशंस, लिरिक्स, यू नो, स्टोरी, कैरेक्टर्स. बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ नैनीताल्स ब्यूटीफुल लोकेशंस जो इसमें यूज हुई हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? आई थिंक अगर वो किसी और लोकेशन पे इसको पिक्चराइज करते तो शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसका कैसे पिक्चराइजेशन होता है. लेकिन क्योंकि ये नैनी लेक में हुई है, इसने इस पिक्चर की ब्यूटी को बढ़ा दिया. और जब हम नैनीताल देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा ग्रीन लगता है. अभी का जो नैनीताल है थोड़ा डिफरेंट है, ओवरक्राउडेड. एंड अभी तो लोग, आई थिंक सिनेमा इज आल्सो अ ग्रेट वे ऑफ लुकिंग एट दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फेमस प्लेसेस, यू नो, मे बी 30 इयर्स बैक इन टाइम, 50 इयर्स बैक इन टाइम. तो कैसा था वो? आई थिंक एक बहुत नॉस्टैल्जिक एलिमेंट भी क्रिएट होता है उससे. आई थिंक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कटी पतंग का, वो ये है कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ फीमेल टोल्ड थ्रू अ फीमेल्स पर्सपेक्टिव. सो इन दैट वे हाउ डू यू सी इट डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ द अदर बॉलीवुड फिल्म्स ऑफ द टाइम? सी, जो फिल्म है वो एक वुमेन पर्सपेक्टिव से बनी है, जिसमें एक ये दिखाया है कि एक जो लेडी, एक वुमेन होती है, उसको सोसाइटी में किस किस तरह से अपने आप को, यू नो, गुजरना होता है बेसिकली, राइट? एक्सपेक्टेशंस होती हैं सोसाइटी की, वो ढांचा आई थिंक एक बना हुआ है, उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि औरत अपनी पूरी जिंदगी बिता देगी, ऐसे ही गुजारेगी. तो चाहे उसकी फीलिंग्स कितनी भी हो, लाइक शी हैज लॉट ऑफ फीलिंग्स, बट स्टिल, यू नो, शी इज लाइक केज्ड, बेसिकली आई वुड से दैट. सो ये स्टोरी बेसिकली इसी का है कि, एंड देन लेटर ऑन ऑफकोर्स एक्सेप्टेंस है, बिकॉज जो भी स्टोरी है उसके इन-लॉज, जो एक्चुअली इन-लॉज नहीं है उसके, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं. और ऑलवेज शी इज जज्ड
यू नो ऑलवेज शी हर एक्शंस आर जज्ड शी इज नॉट ट्रूली फ्री यू नो अंटिल प्रोबब्ली द लास्ट मोमेंट जब वो डिसाइड करती है कि नाउ आई वांट टू गिव अवे माय लाइफ उसको राजेश खन्ना को जो सच बताती है कि नो आई एम नॉट एक्चुअल यस माधवी राइट यस या कहीं ना कहीं वो भी इसको इनिशियली एक्सेप्ट नहीं करता यस वो एंग्री या फिर बेसिकली अ मैनस एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड यू नो एंड इट ही टुक लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट बट eventually he did right he did so ye story basically unhi sab ko dekh ke I think yeah. Shakti Samant specialized in this ki taboo subjects ko deal karna difficult situations ko dikhana society ka basically to put a mirror you know in front of us you know ki samaj ka jisko darpan kehte hain cinema ko is movie mein wo journey bhi dikhai hai you know ki kya difficult journey hoti hai women ki jab usko acceptance nahi milti when she is outside her comfort zone and there's nobody you know to look after her and at the same time she is also you know coming as a very stoic personality aur sab sari musibaton ka samna karke khada ho rahi hai you know in the face of everything and last mein wo sochti hai ki chodo yaar ab nahi hota hai now you know let me just end my life wo bhi dikhai So I think this is a beautiful story. I think for its time, it was very, very progressive. Yeah. Maybe right now, you know, jab hum hindsight mein dekhte hain, toh there are things that we can question. But I think jab ye movie aayi hogi, it would have been far ahead of its time and a very progressive film. Ye film kab aayi thi? 1971 or 1971? 1971. Yeah. So usse mein aap sochiye. I think 52 years. Yeah. 52 years, you know, five decades, more than five decades. Exactly. Toh usse mein kahan tha ye sab cheeze? Absolutely. Usse mein ye Shakti Samant ka ye sochna hi, ye taboo subject film banana hi bahut badi baat hai. Totally. And the other films. Also that he yeah made. I think I would say that he was very bold yeah you know but Meenu having talked about the film and other things I think one thing that we have left out and I think we have left out for the best and the last is the stardom of Rajesh Khanna the jubilee girl status that Asha Parekh enjoyed to usko kaise dekhti hain kya lagta hai aapko kaisa raha hoga wo daur jab you know itna bada superstar aur sath itni badi you know actress jisko jubilee girl kaha jata hai jab unki pairing hui hogi so how the media would have reacted how the industry would have reacted you know with Shakti Samant main to ye imagine karti hu wo scene ko jab humne padha tha ya jab research mein dekha to nahi kabhi but suna hai ki Rajesh Khanna ke liye ladkiyan pagal hoti thi कौन सी मूवी थी जिसमें हावड़ा ब्रिज पे था कि वो या आई थिंक अमर प्रेम का वो सीन था चिंगारी कोई बढ़ के तो वो आई थिंक पिक्चराइज नहीं कर पाए थे क्योंकि लोगों को डर था कि इतना भीड़ आ जाएगी कि हाँ हावड़ा ब्रिज वुड एक्चुअली फॉल कोलैप्स क्या ये सच होता था दिस वाज एक्चुअली ट्रू दैट वाज द काइंड ऑफ स्टारडम दिस इज एक्चुअली ट्रू बट देयर इज अ लॉट व्हिच इज नाउ अ पार्ट ऑफ द फोकलोर की जब उनकी गाड़ी बाहर जाती थी तो लड़कियों की लिपस्टिक से पिंक हो जाती थी दिस इज ऑफ कोर्स यू नो पार्ट ऑफ द फोकलोर नोबडी कैन कंफर्म दैट बट दिस इज एक्चुअली ट्रू हावड़ा ब्रिज वाला राजेश खन्ना और आई ऑल्सो रिमेम्बर जब हेमा मालिनी जी ने बताया कि अंदाज सिर्फ इसलिए हिट हो गई कि उसमें वो राजेश खन्ना का वो कैमियो अपीयरेंस और गाना है जिंदगी एक सफर है सुहाना तो सिर्फ उस गाने की वजह से दैट फिल्म बिकेम अ सुपर ब्लॉकबस्टर कि राजेश खन्ना को एक सॉन्ग में क्योंकि आराधना के बाद ना उनका फेम इस तरह से बढ़ गया था एंड इसीलिए आई वुड से कि अ फिल्म लाइक कटी पतंग यू नो इज सो वेल सूटेड यू नो टू हिज क्योंकि इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म जो आशा पारे का कैरेक्टर दैट इज अ सेंट्रल कैरेक्टर एंड येट यू नो राजेश खन्ना is able to make his presence felt aur bahut kamal ki chemistry bhi hai yahan pe unki Asha Parekh ke sath but ye stardom handle kaise karte hain log See, I think it's not easy. हम लोगों ने सुना है कि थोड़ा सा flawed personality की भी हमने demonstrations देखे हैं I think उस जमाने में बहुत सारे लोगों को दुश्मन भी बना लिया था राजेश खन्ना ने फिल्म फेयर के साथ उनका क्लैश हो गया था और बहुत बार ऐसा होता था कि कई बार ईगो पे ले लेते थे लोग कि इनको हम कास्ट नहीं करेंगे फिर उस जमाने में सलीम जावेद जो एंग्री यंग मैन की इमेज लेके आए थे तो उसमें अमिताभ बच्चन ज़्यादा अच्छे फिट हो रहे थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि कैचिंग गेम क्योंकि ये रोमांटिक फिल्म ही कर रहे थे इनको ऑफर हुई थी पहले सलीम जावेद की फिल्म्स पर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं आई वांट टू कंटिन्यू विद माय रोमांटिक इमेज उससे राजेश खन्ना को बहुत नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इट गेट्स टू यू दिस काइंड ऑफ स्टारडम आई थिंक लेट्स नॉट वी विल नॉट गो इनटू पर्सनल लाइफ बट आई थिंक पर्सनल लाइफ में भी राजेश खन्ना का कहीं ना कहीं वो स्टारडम को लेकर थोड़ा सा आई थिंक कभी और किसी और वर्क यू नो हम इस पे जरूर डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे यू नो द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट मे बी सुपर स्टारडम की जब हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन और उनके सुपर स्टारडम को कभी कंपेयर करेंगे तो वी कैन टच अपॉन दैट बट राइट नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड यू नो टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी सेड दैट द ब्यूटी अबाउट राजेश खन्ना सुपर स्टारडम इज कि उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगती थी लंबी लाइन लगी होती थी फॉर वन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हिम और टू कन्विंस हिम कि भाई आप हमारी फिल्म कर लो
that was the kind of fame that he enjoyed. He enjoyed, yeah. But what about Asha Parekh? Asha Parekh, of course. Asha Parekh ka bhi apna ek charm tha. Us samay Asha Parekh was one of the best actresses. Absolutely. Unki jo acting thi ya unki jo ek persona tha, you know, uski log kafi misalein dete the. और जो आशा पारेख का जो एक एक जुबली गर्ल का जो इनको टाइटल मिला था राइट और काफ़ी बैंकेबिलिटी थी उनकी उनके ही प्रेजेंस या उनकी उनकी जो भी एक्टिंग थी या फिर जो उनकी मूवीज आती थी उनके नाम से मूवीज हिट होती आई थिंक उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस थी और बहुत सारे लीड एक्टर्स भी उनके साथ काम करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि आशा पारेख रहेंगी तो मूवी इट्स गोना बेनिफिट देम ग्रेटली सो उनकी बैंकेबिलिटी आई थिंक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और जब ये दोनों लोग साथ आए आई थिंक बोथ वर बिग नेम्स एट द टाइम एंड the kind of characters that they play in the film I think that also is very interesting aaj ke stars probably is tarah ke challenging roles shayad na play kare I think aur bahut simple subtle agar aap acting dekhenge to hai lekin us acting mein bahut kuch hai jo aaj kahin na kahin hum missing hota hai and also watch out for prem chopra of course prem chopra so what a magnificent performance he delivers in this film and I think bahut log baat hi nahi karte hain uski because everybody talks about you know these wonderful actors rajesh khanna and asha parekh somewhere thoda bhool jate hain log but he also has a very menacing and an important role in this film yeah he played a beautiful villain right and alongside bindu exactly So, Prem Chopra ka bhi apna alag I think he defined the new age villain, you know, in the 70s. Kyun famous dialogue tha Prem Chopra ka is movie ka? हाँ उसमें एक उनका डायलॉग था कि आई थिंक कि मैं प्यार की अपनी जगह होती है पर आई थिंक दौलत की अपनी जगह होती है हाँ, so he is still that materialistic person जो मुंह पे एक लड़की को बोल सकता है ठीक है तुम्हारा प्यार अपनी जगह है पर मेरी दौलत ज्यादा आई थिंक वेरी प्रैक्टिकल ऑफ हिम टू से दैट मे बी आज लोग शायद ज्यादा रिलेट कर पाए बट इन द 70s दिस केम अक्रॉस एज वेरी रूड आई थिंक आजकल तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है तो पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी ओपनली James Gecko ने बोल दिया greed is good but back then in the 70s I think बहुत ही अलग तरह का डायलॉग रहा होगा और भी काफी सारे डायलॉग्स हैं जो हमको भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हम लोग गुड डायलॉग्स वेरी गुड डायलॉग्स सो अगर आप एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं जिसने बॉलीवुड की एक डेफिनेशन जो है एक फैमिली एंटरटेनमेंट with important social subjects so I think Kati Patang is a film that the two of us would definitely recommend you yes correct तो ये था आज का हमारा एपिसोड ऑन कटी पतंग और आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और फिल्म के साथ थैंक यू